नमस्कार दोस्तों, अगर आप सलमान खान को बड़ा अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सलमान खान अभिनीत भारत ने सुपरस्टार्स के लिए अब तक सभी रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सबसे अधिक कमाई के साथ नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। सलमान खान और अब्बास जफर की जादुई जोड़ी रिलीज से पहले ही भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप मैच के बावजूद भी धमाकेदार 42 करोड़ की ओपनिंग करने में कामयाब रही। सलमान खान ने केवल अपनी रिलीज से पहले सबसे अधिक एडवांस बुकिंग के साथ सुर्खियों में छाए हुए थे, बल्कि वह एक 4 स्टार बनाने की कगार पर है। यह केवल सलमान खान की स्टारडम का असर नहीं, बल्कि सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ की जोड़ी अपने रिलीज से पहले दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी। भारत पहले दिन लगभग 43 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही, जब फॉक्सर हिंदुस्तान द्वारा 50 करोड़ की ओपनिंग के बाद हिंदी जगत में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। बड़े पैमाने पर निर्माण और एक मजबूत स्टाइलिंग के साथ जो न केवल एक मनोरंजन कहानी है, बल्कि मनोरंजन गाने के साथ यह एक आदमी और एक राष्ट्र के उत्साह सफर भी है। वही दूसरे दिन भारत ने 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। वही इसी के साथ भारत 2 दिन में 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस में शामिल होने के कगार पर है। वही एक्सपर्ट का मानना है कि भारत तीसरे दिन भी 40-50 करोड़ की कमाई कर सकता है, और अभी ये तो वीकेंड का महीना स्टार्ट है, इसलिए भारत 3-4 दिन में ही 200-300 करोड़ का कनेक्शन कर सकता है दोस्तों। और यह भारत की सबसे हिट सुपरहिट फिल्म बनने जा रही है। सलमान खान की इससे पहले फिल्म बॉडीगार्ड दबंग 2 फिल्म ईद पर रिलीज हुई थी, पर उन्होंने इतना कलेक्शन नहीं किया। हालांकि किक ने किया था, पर किक भी इतनी सफल नहीं हुई थी जितनी भारत हो चुकी है। हम यही आशा करेंगे सलमान खान की फिल्म और हिट हो और वह अच्छे से अच्छा कलेक्शन करते रहे। PM News 24 की रिपोर्ट।